इंटर और मैट्रिक के छात्रों का 2 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इंटर और मैट्रिक के छात्रों का रिजल्ट को लेकर कॉपियों की जांच जोरों शोरों से चल रही है। दोस्तों यहां पर इंटर और मैट्रिक के बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि ग्रेस अंक देकर सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिविजन से पास किया जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 संपन्न हो चुकी है। 24 फरवरी अंतिम परीक्षा ली गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चुकी एग्जिट विषय की थी, और अब बिहार बोर्ड मैट्रिक के जितने भी परीक्षार्थी हैं वह अपना परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे की सारी जानकारी बिहार बोर्ड से रिलेटेड हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए, पोस्ट में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि कब तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, और भी परीक्षा का रिजल्ट, सारी जानकारी, रिजल्ट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए, जैसे कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, परीक्षा, एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, सभी जानकारी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों यहां पर देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2022 को लेकर बड़ी खबर। बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2022 आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप मई के महीने में आप रिजल्ट जारी किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 मार्च से जो है मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। कॉपियों की जांच मैट्रिक के छात्रों का 5 मार्च से शुरू हो जाएगा, और इंटर के छात्रों को बता दूं कि इंटर के छात्रों का कॉपियों की जांच जोरों शोरों से चल रही है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा की तैयारी, तैयार करने में, वेबसाइट पर अपलोड करने में पूरे 1 माह लग जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट ये ध्यान रखें, मई के 3रे सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये इस बात को ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आपकी जानकारी के लिए जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा के मूल्यांकन क्षेत्र, जी हां दोस्तों, क्षेत्र अलग अलग बनाए गए हैं, यानी केंद्र अलग अलग बनाए गए हैं, ठीक है। जितने भी शिक्षक कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे उनको मूल्यांकन शुरू 5 दिन पहले ही जानकारी दी जाएगी। आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं कॉपियों का, जैसे कि अगर आप बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के कॉपियों का मूल्यांकन करने की, तो हम आपको बता कि 4 से 5 दिन पहले ही सभी शिक्षकों को यह जानकारी दी जाएगी कि आपका काव्य का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, यानी ताकि जितना मतलब कि कम से हो सके भ्रष्टाचार मुक्त और सही तरीके से कॉपियों की मूल्यांकन हो सके। कई बार क्या होता है कि बिहार बोर्ड में कॉपियों का मूल्यांकन जो है कई बार जो है मतलब कि गलत तरीके से कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, कोई स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, यानी जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो पास हो जाते हैं, और जो पास होने वाले होते हैं वो फेल हो जाते हैं। ऐसी होती है कई बार, ठीक है, पर ऐसा ना हो इसीलिए सही से मतलब कि कॉपियों का मूल्यांकन जो है, यानी जाँच जो है अच्छे से हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर बता दें हम आपको कि रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, और दूसरी बात ये भी बता दूँ मैं आपको कि रिजल्ट आप लोगों का कब और कितने तारीख को जारी होगा। जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से जो इंटर के स्टूडेंट्स, उनका रिजल्ट जो है इसी महीने में जारी होगा, 25 तारीख को 3 बजे करीब में, ठीक है। ध्यान रखें 25 तारीख को जो है 3 बजे करीब में रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का। और मैट्रिक के छात्रों का 2 बजे रिजल्ट जारी होगा आप लोगों का, ठीक है, मई में, यह ध्यान रखें, ओके। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं रिजल्ट को चेक कैसे करना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है, बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihar.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर आओगे तो ऑटोमेटिक यहां पर रिजल्ट जो है, रिजल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आपको रोल नंबर और रोल कोड डालकर आसानी से चेक करना है, ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं। दोस्तों बिहार बोर्ड से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आने वाली सभी जुड़ी जानकारी इसी तरह आपको अपडेट मिलता रहे, और किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए नीचे मैसेज कर दीजिएगा।